अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो इस कंपनी ने आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाया है, मैनफोर्स कॉन्डोम्स। अगर आप साथ में इस प्रोडक्ट को काम में नहीं लेते तो कंपनी ने आपके लिए दूसरा प्रोडक्ट बनाया है अनवांटेड 72। और अगर आपने ये सेकंड प्रोडक्ट भी काम में नहीं लिया तो कंपनी आपके लिए लेके आई तीसरा प्रोडक्ट प्रेगा न्यूज। और ये सब सुन के अगर आपके पेट में एसिडिटी हो जाए तो गैसो फास्ट भी इन्हीं का है। आखिर कौन सी है क्रिएटिव कंपनी जो इस तरह से सोच रही है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही है? तो कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा। कंपनी का नाम सुन के मैं समझना अंग्रेजी कंपनी है भैया, शुद्ध 100% स्वदेशी कंपनी है। एक आम से भारतीय ने, एक कंपनी में MR की जॉब करने वाले व्यक्ति ने चालू की है 1,00,000 रुपए की कैपिटल से। और 29 सालों में कंपनी को कहां लाके खड़ा कर दिया पता है? 84,000 करोड़ की वैल्यूएशन। और इस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड क्या क्रेजी है, सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। 1995 में कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़, 2000 में 50 करोड़, 2005 में 500 करोड़, 2016 में 5,000 करोड़ और आज की डेट में 10,000 करोड़। ये कहानी है जुनेजा ब्रदर्स की। और इस कहानी में, इस केस स्टडी में आपको मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, ग्रोथ के, स्ट्रेटजी के ऐसे ऐसे पावरफुल लेसन सीखने को मिलेंगे। अगर एक भी जिंदगी में अप्लाई कर दिया, कंपनी में अप्लाई कर दिया, तो कंपनी को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने जो इंडस्ट्री में किया सबसे अलग हटके किया। तो आखिर कैसे बनी है कंपनी, कब बनी है कंपनी, और एक छोटे से MR ने जब कंपनी खोली तो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से कैसे लड़ाई की, कैसे मार्केटिंग की, कैसे ब्रांडिंग की, सब बताएगा रे तेरा राहुल। तो जद्दा जनार्दन बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जब RC जुनेजा ल्यूपिन फार्मा में MR का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टर्स के पास जाके दवाई बेचते हैं, वो काम किया करते थे। तो एक बार मेडिकल दुकान पे बैठे थे और वहाँ पे एक ग्राहक आया और अपने चांदी के गहने लेके आया कि सर जी मेरे पास पैसे तो है नहीं कि गहने के बदले दवाई मिल सकती है। ये सुन के इनका दिल पसीज गया कि यार दवाइयां अपन बेच रहे हैं, दवाइयां इतनी महंगी है कि यार आम आदमी तो ले ही नहीं सकता, तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये दवाइयां सस्ते में दी जाए आम आदमी को। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ उन्होंने जॉब छोड़ी और अपनी सेविंग्स के साथ पूरे परिवार को लेके 1984 में इन्होंने बेस्टोकेम फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। और इसी विजन के साथ काम किया कि कैसे 1 रुपए की जो चीज है उसको 50 पैसे में जनता तक प्रोवाइड की जा सकती है। और फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयों में ये पॉसिबल है, आपको पता है कि 1 रुपए की गोली भैया 80-80 रुपए में बिकती है, तो कोई बंदा चाहे 80 की नहीं 40 में बेचूं तो भी बेच सकता है, मार्जिन तो तब भी बहुत है। तो इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया 1984 से लेके 1995 आते आते कंपनी का टर्नओवर 8 करोड़ तक ले गए। लेकिन भैया कुछ डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट होने के बाद कंपनियां नहीं चलती है, तो डिस्प्यूट होने के बाद वो कंपनी इन्होंने जो अपने पार्टनर्स थे उन्हीं को दे दी और बदले में इनको मिले 50 लाख रुपए। उसी 50 लाख रुपए के साथ उन्होंने कहा चलो मैं मेरी खुद की इंडिपेंडेंट नई कंपनी डालता हूँ, और वो नई कंपनी थी मैनकाइंड फार्मा। और जब RC जुनेजा जी ने कंपनी बनाई, उस समय उनके भाई राजीव जुनेजा जी जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको कहा भाई कॉलेज वाले छोड़, दोनों भाई मिलकर धंधा करेंगे। और इन्होंने इस प्रकार मैनकाइंड फार्मा का काम चालू किया। आज इस कंपनी में 22,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी मात्र 20 एम्प्लॉई के साथ और 2 स्टेट में। इनका जो स्टेट है मेरठ से इन्होंने काम चालू किया था, तो वेस्टर्न UP में फोकस करके इन्होंने काम चालू कर दिया। अब नई कंपनी के साथ बाजार में प्रॉब्लम होती है, आपको पता है, स्पेशली फार्मा में, कि भैया डॉक्टर्स लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स भाव ही नहीं देते कि पता नहीं कौन सी कंपनी आई है यार। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े डॉक्टर्स को बेनिफिट दे सकती है, वो ये छोटी कंपनी उनको बेनिफिट भी नहीं दे सकती। और जब बड़े बड़े शहरों में काम चालू करेंगे तो भैया रेंट भी मोटा, सैलरी भी मोटी, सब कुछ। तो इन्होंने कहा कि भैया जो धारा चल रही है बड़ी फार्मा कंपनियों की, उसके विपरीत चलते हैं। हमको नहीं जाना बड़े शहरों में, हमको नहीं जाना बड़े डॉक्टर के पास, हम तो भैया छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास चलते हैं, जो अपना छोटा सा क्लिनिक लेके बैठे हैं, जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां पूछती भी नहीं है, जिनको कोई नहीं पूछता, उनके पास गए सबसे पहले कि भैया हमारी दवाई रिकमेंड करो, हम देंगे तुम्हें कुछ। अब जब ऐसे छोटे क्लिनिक के पास जहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं आती, कोई कंपनी जाके कहती है कुछ बेनिफिट देती है, प्लस जो दवाई ऑफर कर रही है वो इफेक्टिव भी सेम है और पैसे भी आधे हैं, तो भैया कौन नहीं रुकेगा। वो पहले गांव में दवाई देता था 50 रुपए की, वही दवाई आ रही 25 रुपए में, तो उसको रिकमेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे गांव में इसको फैलाना चालू किया। यहाँ पे आता है हमारा बिजनेस लेसन नंबर 1, नेवर कम्पीट वेयर कम्पिटिशन इज स्ट्रॉन्ग। जहाँ कॉम्पिटिशन मजबूत है उस इलाके को छोड़ो, ऐसी जगह जाओ जहाँ या तो कॉम्पिटिशन वीक हो या कॉम्पिटिशन हो ही ना। तो इन्होंने कहा बड़े शहर में बड़े डॉक्टर में बहुत बजट है, छोटे में चलेंगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, खाली मार्केट था, जाते गए जीतते गए। चलो भाई डॉक्टर ने तो रिकमेंड कर दी, प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, लेकिन भाई साहब मिलेगी कहाँ, मिलेगी तो मेडिकल के, मैनकाइंड वाले गए मेडिकल के कि भाई साहब सुनो, जो बड़ी कंपनियां तुमको मार्जिन देती है एक दवाई की सेल पे, उससे ज्यादा मार्जिन हमसे ले लेना। ये तो 10 डिब्बे पे 1 डिब्बे वाला जो है ना 10+1
वन जो एचयूएल में साबुन में वहाँ पे चलता है, ये वाली स्कीम मैनकाइंड ने लगा दी थी इन पे कि 10 डब्बे के साथ एक पत्ता फ्री, बेचो जितने में बेचना है। तो इस स्ट्रेटजी को करते करते फॉलो करते करते चालू ने दो स्टेट से किया था, पर 2002 आते आते ये पूरे इंडिया में इनके ऑपरेशंस फैल चुके थे। और जब एक बार बंदा बड़ा हो गया, एक बार हर दुकान पे माल बिकने लग गया, इतने डॉक्टर्स तुम्हारे अंडर आ गए, तो भाई साहब फिर तो बड़े शहर भी वापस आ गए कि चलो अब तो बड़ी कंपनी है, अब तो बड़े शहर में जाएंगे तो अब बड़े डॉक्टर को बेनिफिट भी दे सकते हैं, अब बड़ा डॉक्टर वैल्यू भी करेगा, हमारी पैकिंग भी अच्छी है। तो छोटे से शुरुआत की लेकिन मजबूत हुए तो बड़े में वापसी भी कर ली। इस समय मैनकाइंड के साथ 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है, पर्ची वाला मार्केट, इसमें दे आर द नंबर वन कंपनी ऑफ द इंडिया। तो बिजनेस लेसन नंबर 2, बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो जी, तुम्हारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई साहब बिकेगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या है? तो मैनकाइंड ने क्या किया, सबसे पहले गांव-गांव में ढाणी नाड़ी में सब डॉक्टर अपने अंडर ले लिए, फिर केमिस्ट अंडर ले लिए। अब एक बार एक दवाई पहुंच गई, नेटवर्क बन गया, अब तो भाई साहब दूसरी दवाई लॉन्च होगी, सब एक साथ सब रेडी के रेडी है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में प्रोडक्ट सर्विस बनाते रहो, लॉन्च करते रहो, सेल तुम्हारी बढ़ती रहेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो जब लोग कहते हैं राहुल मल्होत्रा जी आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हो, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं कि भैया मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पर 10% टाइम स्पेंड करता हूँ भाई साहब, मैं हूँ हार्डकोर बिजनेस कंसल्टेंट जिसका 90% टाइम बिजनेस की प्रॉब्लम सुनने में, सॉल्व करने में, सुलझाने में ही जाता है। मेरे मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स हैं, सेल्स वाले कोर्स हैं, फाइनेंस वाले कोर्स हैं, मैं लाइव इवेंट करता हूं, हर संडे व्यापार टू सीईओ करता हूं, मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग देता हूं, मैं हैंड टू हैंड कंसल्टिंग देता हूं, इतने सारे काम है मेरे। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके माध्यम से मेरी नॉलेज, मेरा प्रोडक्ट जनता तक पहुंच जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेज अच्छी लगती है, टीचिंग की स्टाइल अच्छी लगती है, राहुल भाई क्या मस्त बिजनेस पढ़ाते हो, और मेरे से बिजनेस की कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, ये नीचे लिंक दिया, इस पर क्लिक करो, मेरे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पे जाइए, जो कोर्स आपको पसंद आता है उसको क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, आगे बढ़िए। आपको एक दो वीडियो के बाद लगता है मज़ा नहीं आया, ये 100% इशू रिफंड कर देंगे, हम वो वाले नहीं है कि लोग रिफंड मांगते रहें और हम किसी को कुछ ना दें। तो इसी के साथ आते हैं अब हमारे तीसरे पॉइंट पे कि राहुल जी चलो वो बात तो सही है, इन्होंने अपनी सेल्स को तेजी से कैसे खींच डाला, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, और कैसे इनका प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच गया, इस पे प्रकाश डालो, अभी डालते। अब प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में ब्रांड तो बन गया, प्रिस्क्रिप्शन मार्केट मतलब जहां पर्ची पे डॉक्टर दवाई लिखता है और तुम लेके आते हो, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन मार्केट, उसके तो किंग बन गए। लेकिन अब आम आदमी थोड़ी देखता है कि जो दवाई आई है वो किसने बनाई है, ल्यूपिन ने बनाई कि फाइजर ने बनाई कि मैनकाइंड ने बनाई, तो आम आदमी कैसे जानेगा इसको? तो इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आम आदमी तक अगर पहुंचना है तो ओटीसी प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, जहां पे डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं होती, आदमी जरूरत के हिसाब से अपने आप ले लेते। तो सबसे पहले इन्होंने 2007 में प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैन फोर्स कॉन्डम। सेलिब्रिटी लिया इन्होंने सनी लियोनी को, और भाई साहब हर मेडिकल की दुकान पे इतने बड़े बड़े पोस्टर एंट्री पे इधर उधर लगा दिए कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो बंदों का 2-3 मिनट तो टाइम पास हो जाए और मार्केटिंग हो जाती है, ऐसी चीज भी बाजार में है। और मैनफोर्स कंडोम आज की रेट में कंडोम मार्केट का 30% मार्केट शेयर लेके बैठा है, हर तीसरा कंडोम जो बिकता है मैनफोर्स बिकता है। इसके बाद ये लेके आया अनवांटेड 72, वो भी अपनी तरह का प्रोडक्ट हिट हुआ, और उसके बाद ये लेके आया अपना सुपर हिट प्रोडक्ट प्रेगा न्यूज, जिसका भी मार्केट शेयर 90% से ऊपर है। तो बिजनेस लेसन नंबर 3, हमेशा भैया नए से नए प्रोडक्ट थोड़े थोड़े दिन में लॉन्च करते रहो, तभी आपकी कंपनी की सेल दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी एक लिमिट होती है, कितना ही बिक जाएगा, कितने ही लोग ले लेंगे, कितनी क्वांटिटी में ले लेंगे, आपकी सेल एक बार तेजी से बढ़ेगी पर फिर रुक जाएगी। उस सेल को अगर आप कंटिन्यूस बढ़ाते रहना चाहते हो तो भाई साहब हर कुछ समय में नए नए प्रोडक्ट आपको लॉन्च करने जरूरी है। देखो बात सिंपल समझो, जब बंदा एक जगह से रिस्क फ्री हो जाता है ना कि मुझे टेंशन नहीं है, तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की हिम्मत आती है, कहता ये भी कर लो वो भी कर लो, टेंशन तो है नहीं। पर्सनल लाइफ में भी क्या होता है, बंदे ने टर्म इंश्योरेंस ले लिया कि भैया मुझे कुछ हो गया तो पैसा मिल ही जाएगा घर वालों को, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि मेरे को बीमारी और वो एक्सीडेंट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर निश्चिंत होकर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कर सकता है। कई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं, टर्म प्लान लिया नहीं, SIP करा रहे हैं 10,000 की, पता चला 3 साल जो SIP कराई थी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एक बीमारी आ गई, 2 दिन के अंदर 3 साल की SIP विद प्रॉफिट खत्म, अब बोल रहे हैं सर हम क्या करें। तो भैया पहले ही कहा था बिना टर्म प्लान के, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत किया करो। तो यहाँ जितनी समझदार ऑडियंस बैठी है, जो ऑलरेडी लेके बैठी है, उनको तो है सल्यूट, और जो भैया नहीं लेके बैठे, भाई लोगों एक लिंक दे रहा हूँ पॉलिसी बाजार का, यहाँ पे क्लिक कर लेना, 20 से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट पड़े हैं, पॉलिसियां पड़ी है, आराम से कंपेयर करो, सर्च करो, जो प्रोडक्ट लेना है वो लेके नक्की करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना। और कैसे लेना है हेल्थ इंश्योरेंस तो उस पर अलग से वीडियो बना रखी है, वहां से गाइडेंस ले लेना।
अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न होगा कि राहुल जी मार्केटिंग तो सब करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या यूनिक कर दिया मार्केटिंग में? ध्यान से सुनो, इसमें भी लेसन है भर भर के। सबसे पहले इन्होंने ऐड दिखाने चालू किए टीवी पे। अब नॉर्मली पता है को भारत एकदम संस्कारी बाजार, हमारी पॉपुलेशन चाहे कितनी बढ़ जाए पर संस्कार में बुरे रहते हैं। तो टीवी पे कंडोम का ऐड देखना, वो भी सनी लियोनी के साथ, और टीवी पे बैठती पूरी फैमिली, तो एकदम अनकन्वेंशनल सी चीज थी यार, ऐसे कौन करता है। और जब ऐसे कर दिया कि पूरी फैमिली बैठी और एकदम से ऐड आ गया, और भाई साहब पापा पानी लेने जा रहे हैं, बच्चा मुंह उधर कर रहा है, सब इधर उधर हो रहे हैं, तो ये एक तरह का कन्वर्सेशन बन गया कि यार ये क्या होने लग गया। ये जो छोटी सी अनकन्वेंशनल चीज थी, इसने बहुत बड़ी बस क्रिएट कर दी मार्केट में। सेकंड पॉइंट इन्होंने किया, इन्होंने सेलिब्रिटी को हायर किया, क्योंकि पता है कि भैया कोई भी अनकन्वेंशनल चीज हो, सेलिब्रिटी आ जाती है तो भैया आम जनता मान लेती है कि यार सेलिब्रिटी कह रहा तो सही होगा। तो इनका ब्रांड है एक्ने स्टार, उसके लिए लेके आए श्रुति हसन को। प्रेगा न्यूज के लिए इन्होंने शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा और करीना कपूर, इन दोनों को तो स्पेशली सब साइन किया जब ये प्रेग्नेंट थी। ऐसा करके इन्होंने टॉप ऑफ द फनल जो होता है, यानी जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले बड़े लोग हैं, उनको टारगेट किया कि देखो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी काम में ले रही है, तुम भी काम के लो। थर्ड चीज, एक एड था जिसमें करीना कपूर अपनी मेड को कहती है, नौकरानी को कहती है कि भैया तुम भी इसको काम में लिया करो। ऐसा करके इन्होंने लोअर द फनल है कि अमीर महिला है उनको तो वैसे कवर कर लिया, और गरीब महिलाओं को भी इसमें कवर किया। और आज भी ऑन ग्राउंड आशा जो वर्कर है या आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं, वो गांव गांव में जाके प्रेगा न्यूज का प्रचार करती है। तीसरी चीज, इन्होंने जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे सब काम में लिए। इन्होंने कहा टीवी पे भी ऐड दे दो, अखबार में भी ऐड दे दो, होर्डिंग भी लगा दो, तुम दुकान के बाहर भी चिपका दो, तुम ऑनलाइन भी बेचने लग जाओ, तुम बाकी वेबसाइट पे भी चले जाओ, तुम खुद की वेबसाइट भी बना लो, आत्र तत्र सर्वत्र सब जगह बेच दिया। बिजनेस लेसन नंबर 4, व्हेन यू आर एवरीवेयर आत्र तत्र सर्वत्र और क्वालिटी भी ठीक है, तो भैया आपको ब्रांड बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका प्रोडक्ट का नाम चढ़ जाता जबान पे। जैसे कोलगेट दे दो भाई साहब, लेना चाहे कुछ भी हो कोलगेट लेंगे, लेना चाहे कुछ भी हो मैगी लेंगे साहब। तो सेम चीज है, जब इतना बड़ी मार्केटिंग करते हो तो फिर आदमी का नाम उससे जुड़ जाता है कि भैया क्या करने जा रहे हो, प्रेगा न्यूज लेने जा रहे हैं। अब इनकी सेल बढ़ रही है, पर इसका मतलब नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। सेल बढ़ रही है, सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी आ रहा है। कोई स्टार्टअप वाला गेम नहीं है कि पैसे बना जाओ, पैसे सेल करे जाओ, रेवेन्यू के अते पते नहीं है। इनका प्रॉफिट भी मेंटेन होता है। कैसे? इन्होंने समय के साथ क्या किया, अपनी सप्लाई चेन को पूरा कंट्रोल में लिया। पहले जो जो काम ये आउटसोर्स किया करते थे, धीरे धीरे खुद के प्लान डालने लगे। खुद के प्लान डालने का फायदा क्या है, एक तो भैया कॉस्टिंग कम आती है, दूसरा कंट्रोल पूरा रहता है, और तीसरा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। फिर इन्होंने अपने R&D सेंटर डालने चालू किए, R&D सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि नए नए प्रोडक्ट पे नई नई चीजों पे काम कर सकें। अब किसी नए प्रोडक्ट पे काम करके सबसे पहले बाजार में उतरोगे तो भाई साहब बाजार तुम्हारा ही है, तुम ही फर्स्ट मूवर हो और मोटा मार्जिन लेके जाओगे। तो बिजनेस लेसन नंबर 5, नए नए प्रोडक्ट, यूनिक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करो, ताकि बाजार में फर्स्ट मूवर बनो और हाई मार्जिन कमांड कर सको। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मैनकाइंड, अभी आगे क्या करने वाले हैं? तो राजीव जुनेजा जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि देखो जी, हमने जिस चीज पे नजर गाड़ी है उसमें हमने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है, अच्छी स्थिति में आ गए। आज के 25 साल पहले सोचा था मार्केटिंग में दिमाग लगाएंगे, आज मार्केटिंग में हमारा कोई जवाब नहीं। 15 साल पहले सोचा था मैन्युफैक्चरिंग में दिमाग लगाएंगे, अब मैन्युफैक्चरिंग में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। पिछले 5 साल पहले हमने प्लान किया था अब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करेंगे, तो बहुत सारे देशों में हमारा माल जाने लग गया है। इनफैक्ट जो सबसे फार्मा के लिए टफ मार्केट है US, वहां भी इनकी दवाइयां जाने लग गई है। तो आज की रेट में इनका 97% जो सेल है वो डोमेस्टिक आती है, 3% ही इंटरनेशनल है, पर इनका अगला टारगेट ये है कि अब इंटरनेशनल मार्केट को बूम करना है। तो भाई साहब ये एकदम देसी कंपनी, जीरो से उठी हुई कंपनी, फंडामेंटल पे काम करने वाली कंपनी, कि मैं भी खुश रहूं, एम्प्लॉय भी खुश रहे, डॉक्टर भी खुश रहे, केमिस्ट भी खुश रहे, कस्टमर भी खुश रहे, और दबा के मार्केटिंग करो और खुद के ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते चलो। यही मॉडल है जिसकी वजह से कंपनियां बड़ी बनती है, और यही चीज हम आपको बार बार सिखाने का हमारी व्यापारी टू सू अलग अलग कोर्सेज में प्रयास करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगली केस स्टडी किस टॉपिक पे, किस प्रोडक्ट पे चाहिए, अपन जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद। चैंत।